Welcome to Blessing Today. Blessing Today में आपका स्वागत है। God has given us one more beautiful day. परमेश्वर ने हमें एक और सुंदर दिन दिया है। I believe God is going to give us more beautiful revelations about Him. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने बारे में हमें और ज्यादा प्रकाशन देंगे। I have a question for you. मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। Why is God called the Father? मैं ये जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर को पिता क्यों कहा जाता है। What is the reason? और इसका क्या कारण हो सकता है? Have we ever thought about that? क्या कभी हमने इसे सोचा है? We are going to pray for the sponsors. तो आज के स्पॉन्सर जो हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Today's sponsor is Mini Praveen from Virar. आज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं मिनी प्रवीण, विरार के रहने वाले। And she is sponsoring this because of a special occasion. वो एक विशेष अवसर के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रही हैं और ये आज की हमारी स्पॉन्सर हैं। Her marriage was on 13th March. और 15 मार्च को इनकी शादी की सालगिरह थी। हम जानते हैं कि ये हाल ही में बीता है। Congratulations, Mini Praveen. And let's pray. मिनी प्रवीण, आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Father, we pray for a blessed married life and also to remain faithful. पिता, हम इनके आशीषित विवाहित जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, ये अपने जीवन में विश्वास योग्य रहें। And for perseverance in ministry. और ये अपनी सेवकाई में डटे रहें और बने रहें। Lord, we pray that all her family members be healed from all. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके सारे परिवार वाले अच्छी तंदुरुस्ती पाएं और अच्छे सेहतमंद रहें, आशीषित करें। Ailments of father, thank you for blessing her of father in Jesus name, amen. बहुतायत से इन्हें आशीष दीजिए। आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद, यीशु के नाम में, आमेन। There is one more sponsor. आज एक और स्पॉन्सर हैं, उनका नाम लेना चाहेंगे। The second sponsor is a well-wisher, dear sister from Kanyakumari, Tamil Nadu. हमारे एक और शुभचिंतक हैं जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, ये हैं कन्याकुमारी तमिलनाडु से, प्यारी बहन। The special occasion is this is sponsored as a thanksgiving for the completion of 22 years in their business. Congratulations. ये प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हैं क्योंकि इन्होंने अपने बिजनेस में 22 साल पूरे किए हैं। इन्हें बिजनेस शुरू करके 22 साल हुए हैं। सफलता के लिए आपको अभिनंदन बहन, बहुत बहुत मुबारक। Father, we pray that you may bless all the family members, let them be free from all ailments. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके परिवार के हर एक सदस्य को हर एक परेशानी और तकलीफ से आप बचा के रखिए। And let them remain in good health, O Father. इनको हर एक तंदुरुस्ती बख्शिए प्रभु और आशीष दीजिए। In Jesus name. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. Amen. Thank you so much today's sponsors. आज के स्पॉन्सर्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। And people all over the world who are watching us, you can also join in this mission from the Lord. पूरे संसार भर में जितने भी लोग आप हमें देख रहे हैं, आप हमारी मिशन के साथ जुड़ सकते हैं। You can be a partner of or a sponsor of this media ministry. आप हमारी सेवकाई के पार्टनर बन सकते हैं, हमारे सहभागी हो सकते हैं। We are planning to go to many different languages. हम बहुत सी अलग अलग भाषाओं में ये प्रोग्राम करने की सोच रहे हैं। Why is God called the Father? आज हम देखेंगे क्यों परमेश्वर को पिता कहा गया। See, in this session or in this season, we are going to build upon this revelation, God the Father, bit by bit, phase by phase. हम इस प्रोग्राम में पिता परमेश्वर को विस्तार से देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। परमेश्वर को पिता क्यों कहा गया, इसका प्रकाशन हम यहाँ पाएंगे। Closely follow us. इस प्रोग्राम में हमारे साथ आप इसी तरह बने रहें और हमें सुनते रहें। Never miss one single episode. एक भी एपिसोड आप ना चूकें। Faithfully take down notes. अच्छे से आप नोट्स लिखते रहिए। Once you understand something, teach others. अच्छे से जब आप किसी बात को समझ जाते हैं तो दूसरों को भी सिखाइए। Teach it in your prayer groups. अपने प्रेयर ग्रुप में सिखाइए। Start a new prayer group. इसे आप अपने प्रेयर ग्रुप में सिखाते चले जाइए और बताते रहें। Start a new Zoom fellowship. Zoom fellowship में आप इसे हमेशा सिखाते रहिए। So why is God called the Father? कि परमेश्वर को पिता क्यों कहा गया है? There are so many reasons.
इसके बहुत कारण हैं। I have picked out 10 reasons to give you. आपको बताने के लिए मैंने केवल 10 कारण चुने हैं। Few reasons we'll be discussing today. इनमें से कुछ ही आज हम देखेंगे। Tomorrow we will continue. और फिर हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। Write down number one. लिखिए नंबर एक। Why is God called the Father? परमेश्वर को पिता क्यों कहा गया है? Number one. नंबर एक। Simple. सरल है। His heart is the heart of a father. हमारे परमेश्वर पिता का हृदय तो एक पिता के जैसा हृदय है। What is a father's heart like? पिता का हृदय किस प्रकार का हृदय है? Any idea? कोई अनुमान बताइए? A father's heart includes all his children. पिता का जो हृदय होता है उसमें उसकी जितनी भी संतान होती हैं वो सब होती हैं। In my opinion, the biggest, the largest heart belongs to God. मैं ऐसा मानता हूँ कि जो सबसे बड़ा हृदय होता है, सबसे महान हृदय, तो बस परमेश्वर का ही है। How big is our God's heart? हमारे परमेश्वर का जो हृदय है, जो उसका दिल है, वो कितना महान है। My heart is the size of my fist. जानते हैं, मेरा जो दिल है वो मेरे हथेली के बस इतने से आकार का है। That is my heart. मेरा दिल इतना है। How big is God's heart? परमेश्वर का दिल कितना बड़ा है? Have you ever imagined about that? क्या कभी आपने इसकी कल्पना की है? What I understand is God's heart covers all things. मैं ऐसा समझता हूँ कि परमेश्वर के हृदय में या परमेश्वर के दिल में ये सारी चीजें हैं। In other words, everything, even tiny, small, little things in this universe, has a space in His heart. क्या आप जानते हैं कि इस संसार में छोटी से छोटी चीज भी जो है वो परमेश्वर के दिल में है? परमेश्वर का दिल इतना बड़ा है। When a tiny little sparrow falls down from the branch of a tree, the father knows. अगर एक छोटी सी चिड़िया जो एक डाली पर बैठी हुई है वो अगर उस डाली से गिर भी जाती है तो परमेश्वर उसे जानते हैं। परमेश्वर को ये भी पता है। When a small lily in the field blooms or blossoms, he knows. जब जंगल में एक छोटा सा फूल जो लिली का फूल होता है वो जब खिलता है वो उसे भी जानता है। And when it withers away, he knows. और जिस समय वो मुरझा जाता है वो उसे भी जानता है। Let it be there. When a small 2-inch hair falls down from your head, he knows. जब एक छोटा सा बाल जो कहिए 2 इंच का बाल अगर आपके सिर से झड़ भी जाए तो भी वो उसे जानता है कि वो गिर गया। Many times you don't know that, you are unaware of that. हो सकता है कई बार आपको पता ना हो, आप इससे अनजान हो। After 1 week there is a pile of your hair on the corner of your bathroom. Oh, this much hair is fallen. Brother, pray blessing. I am calling the blessing to the prayer line. जब बाथरूम में आप अपने बालों को देखते हैं तो एक हफ्ते के बाद आप ब्लेसिंग टुडे को फोन करते हैं और कहते हैं, भाई मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए क्योंकि मैं बहुत चिंता में हूँ, ऐसा कहते हैं। When it falls, the father knows. लेकिन जब वो गिरते हैं तो भी पिता जानते हैं। My dear brother, my dear sister, you have a space in the father's heart. मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगह है। हालेलुया, हालेलुया। So God the Father has a big heart. तो परमेश्वर पिता का बहुत बड़ा हृदय है। And that's why we call him Father. इसीलिए उसे हम पिता कहते हैं। Call him Father, Abba Father. That means I have a space, big space in his heart. हम उसे अब्बा पिता कहते हैं क्योंकि उसके दिल में हमारे लिए बहुत जगह है। उसके दिल में हमारे लिए बहुत खास जगह है। He is mindful of me.
वो मेरे लिए सोचते हैं। He is thinking about me. वो मेरे बारे में सोचते हैं। He makes plans about my future. मेरे भविष्य के बारे में उसके पास योजनाएं हैं। He cares for me. वो मेरी परवाह करते हैं। He provides for me. वो मेरे लिए प्रबंध करते हैं, प्रयोजन करते हैं। He designs my life. और वो मेरी जिंदगी को, मेरे जीवन को आकार देते हैं। He monitors my every step. वो मेरे हर एक कदमों की निगरानी करते हैं। That's why I call him my father. इसीलिए मैं उसे अपना पिता कहता हूँ। Number two, write down. नंबर दो, इसे आप लिख लीजिए। He is the father of Jesus, our Lord. वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं। वो तो यीशु के पिता हैं। I don't know how many of you will understand this. Between the Father and the Lord Jesus Christ, there is a mysterious relationship. मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इसे समझ पाएंगे कि यीशु मसीह में और परमेश्वर पिता में एक बहुत ही अद्भुत संबंध है। And that is a very special relationship. और ये तो एक बहुत ही खास संबंध है। There is an intimate and deep relationship. ये तो बहुत ही नजदीकी संबंध है। There is an inseparable relationship. ये तो एक ऐसा संबंध है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। I'll be read one verse. आइए वचन पढ़े। Matthew 11, मत्ती 11, 25 and 26. वचन 25 और 26 पढ़ेंगे। At that time Jesus said, I praise you, Father, the Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and the learned and revealed to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। So many things are hidden from the eyes of the wise and the learned. ऐसी कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ज्ञानियों और समझदारों से भी छिपा कर रखते हैं। So something happened in the earthly realms. देखिए, पृथ्वी के क्षेत्र में कुछ ऐसा होता है। Suddenly, Jesus is turning to his father, reporting it. अचानक यीशु अपने पिता की ओर मुड़ते हैं, उसे बताते हैं या उन्हें खबर देते हैं। So that was the connection. मतलब इस तरह का संबंध है। Whatever he does here, he immediately reports. वो यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं वो उसे तुरंत बताते हैं। Always communicates with his father. हमेशा वो अपने पिता से बातचीत करते हैं। He hears from the father and speaks to his children. वो अपने पिता से सुनते हैं और उसकी संतानों को बताते हैं। And he communicates everything that he hears from the father to his children. जो कुछ भी वो पिता परमेश्वर से सुनते हैं वो उस छोटी सी संतानों को, अपनी संतानों को बताते हैं। Jesus absorbs the will of the Father. वो पिता परमेश्वर की इच्छा को उन पर प्रकट करते हैं। परमेश्वर की जो कुछ भी इच्छा रहती है वो उसकी संतान को बताते हैं। That wonderful relationship is hidden from people. ये जो अद्भुत संबंध है ये लोगों से छिपा हुआ होता है। इस अद्भुत संबंध को लोगों पर प्रकट नहीं किया गया है। Coming to John chapter 5, यूहन्ना अध्याय 5 में देखिए, 26 and 27, वचन 26 और 27 में हम यहाँ पर ऐसा पढ़ते हैं। For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. क्योंकि जिस रीति से पिता ने अपने आप में जीवन रखा है उसी रीति से अपने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में वो जीवन रखे। ये एक खास प्रकाशन है, एक खास संबंध है और खास उंडेला जाना है। यही अपने आप में बहुत खास बात है। Verse number 27, and he has given him authority to judge because He is the son of man. वचन 27 कहता है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है इसीलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। बाइबल हमें ये बताती है। There are hundreds of verses in the scriptures which tell us that he is the father of Jesus. In a special way he is presented as the father of Jesus. ऐसे बहुत सारे, जैसे कि सैकड़ों वचन हैं जो हमें बताते हैं कि वो यीशु के पिता हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ही यीशु के पिता हैं। बहुत ही एक खास रीति से इस बात को यहाँ पर बताया गया है। I am giving you an assignment, another assignment. मैं आपको एक और काम देता हूँ। Pick up all such verses from the Bible and have a compilation. आप बाइबल में से ऐसे वचनों को ढूंढिए और फिर उन्हें गिनते जाइए।
या यू कैन हैव योर ओन सेल्फ स्टडी, आप खुद इस पर अध्ययन कर सकते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड द फादर एंड गॉड द सन, पिता परमेश्वर के बीच में और पुत्र परमेश्वर के बीच के संबंध पर आप अध्ययन कर सकते हैं। So why do we call God the Father? हम परमेश्वर को पिता क्यों कहते हैं? Number one, he has a father's heart. Number एक कि उसके पास पिता का हृदय है। Number two, he is the father of Jesus. Number दो कि वो यीशु के पिता हैं। Number three, he is the creator of all things. नंबर तीन कि वो सृष्टि करता है। Because every created thing is coming out of him. क्योंकि सारी चीजें जो सृजी गई हैं वो उसी के द्वारा आती हैं। Shall I give you one verse? चलिए एक वचन देखते हैं। Ephesians chapter 3 verse number 9. Ephesians अध्याय 3 वचन 9 कहता है। And to make plain to everyone the administration of this mystery which for ages past was kept hidden in God who created all things. और सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ऐसा बाइबल कहती है। Because God is the creator of the universe, he is the father of the universe. परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है, इसीलिए उसे सारी सृष्टि के पिता कहते हैं। वही तो पिता परमेश्वर हैं, इसीलिए उसे पिता कहा गया है। He is the father of all living things. वो सारे इस संसार के जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनका पिता है। He continually upholds, directs and governs all creatures and all events that are happening in the whole universe. पूरे संसार में जितनी भी घटना हो रही है, जितने भी प्राणी हैं, उन पर वो नियंत्रण करते हैं, उनको वो थामे हुए हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनकी वो अगुवाई करते हैं और उनको लिए चलते हैं। That means you and I, we know the struggle to manage one family. हम लोगों को तो एक परिवार को संभालने के लिए इतना सारा संघर्ष करना पड़ता है। And if you are managing an organization, you know the struggle, you know the pains to manage one single organization with maybe 30 staff or 300 staff. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं तो 200 या 300 जो स्टाफ है आपको संभालना पड़ता है और आपको कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। If so, just think about this. He's the director, he's the manager, he's the CEO of the whole universe, and you know the responsibility that he carries in directing and managing everything that is happening in the universe. जरा सोच कर देखिए कि वो इस पूरे संसार को डायरेक्ट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, वो इस संसार का सीईओ है और इतना सारा सब कुछ संभालना पड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि कैसे संभाला होगा। Humbly shall we give a big salute to him. और सच में हमें तो उसकी सराहना करनी चाहिए, उसे सैल्यूट करना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Myself, I am a complicated man. मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत ही उलझा हुआ हूँ। He's managing me. वो मुझे संभाल रहे हैं तो आप सोच सकते हैं। You are more complicated. आप भी बहुत उलझे हुए होंगे। He is managing you. वो आपको भी संभालता है। Such billions of people in the world. और संसार में तो ऐसे करोड़ों लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो उलझे हुए हैं। So many people with so many characters and characteristics. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग गुण हैं। And he is the creator of everything and he is managing everything. वो सबके सृष्टि करता है, सब कुछ बनाया है और सब कुछ संभालते हैं। There is another reason why we call him father. यहाँ पर हम एक और कारण देखेंगे कि हम उसे पिता क्यों कहते हैं या किस वजह से। नंबर चार, he is the creator of man. क्योंकि वो मनुष्य के सृष्टि करता है, मनुष्य को बनाया है। मलाकी चैप्टर 2 वर्स नंबर 10। मलाकी अध्याय 2 वचन 10 हमें इस तरह से यहाँ पर बताता है। Have we not all one father? Has not one God created us? Why then are we faithless to one another, profaning the covenant of our fathers? क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया?
हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? There is a lot of revelatory knowledge in this verse. इस वचन में बहुत सारा प्रकाशन का ज्ञान पाया जाता है। Are we not all one father? क्या हम लोग सब एक ही पिता से नहीं हैं? Think about that. इसे सोचिए। There are so many ethnic groups in this world. इस संसार में, पूरे संसार में देखिए तो बहुत सारी जनजातियां हैं। And all of them have only one father. और उन सब का तो केवल एक ही पिता है। There are brown people, there are black people, there are white people, there are yellow people, there are different kinds of people, but all of us we have one father. इस संसार में तो काले लोग हैं, गोरे लोग हैं, सफेद लोग हैं, भूरे लोग हैं, हर एक किस्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी इन सब लोगों के ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर केवल एक ही पिता है। Has not one God created us? तो क्या उसी एक परमेश्वर ने हम सब लोगों को नहीं बनाया? See, God is a God of variety. परमेश्वर विविधता का परमेश्वर है, बहुत किस्मों का परमेश्वर। And God never created all people alike. परमेश्वर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया। All are not white. सब गोरे नहीं। All are not black. सब काले नहीं। All are not gray. All are not yellow. सब गेहूए नहीं या किसी और रंग के नहीं। So different kinds of people. यानी अलग अलग तरह के लोग हैं, जानते हैं, अलग रंग है, अलग नाक नक्शा है, अलग अलग आकार के हैं। Has not one God created us? क्या इस एक परमेश्वर ने ही हम सबको, सब लोगों को नहीं बनाया है? So he is the creator of Homo sapiens. यानी वही तो सभी के एक ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। One more I will give today. आज एक और देखेंगे। Fifth reason why we call God Father. पांचवा कारण कि हम लोग परमेश्वर को पिता क्यों कहते हैं? He is the supreme authority over everything. वही तो सारी चीजों के ऊपर महान अधिकारी है। If you take a family, the father is the supreme authority in the family. अपने परिवार को ही लीजिए, वहाँ पर पिता जो है वो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। In the same way, उसी तरह से God is the supreme authority of all beings, all living beings, including angels, the invisible ones, the human beings, and everything. So He is called the Father. यानी सारी चीजों पर, चाहे वो स्वर्ग में स्वर्गदूत हों जो अदृश्य हैं, या फिर पृथ्वी पर जो मनुष्य हैं, इन सारी चीजों पर, संसार में हर एक चीजों पर परमेश्वर ही पिता है। केवल एक ही परमेश्वर जो है वही हमारा पिता है। Coming to First Chronicles chapter 29. पहला इतिहास अध्याय 29 में हम यहाँ पर बाइबल में पढ़ेंगे। वचन नंबर 11 कहता है, Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted and head over all. हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। ये हमें यहाँ बाइबल बताती है। He is the head over all. वो सबका यहाँ पर मुखिया है। A family has a head. आपके परिवार का मुखिया होता है। Head of the family. यानी हर एक परिवार का यहाँ पर मुखिया होता है। An organization has a head. ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया होता है। A school has a head. स्कूल के मुखिया होता है। Headmaster. स्कूल का हेडमास्टर। एडमिनिस्टर। A nation has a head. सब चीजों के ऊपर मुखिया होता है। The universe has a head. इस संसार का भी मुखिया होता है। God is the head over all. परमेश्वर इन सब के ऊपर मुखिया होता है। I want to read that once again. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor for everything in heaven and the earth is yours. Amen. Yours, Lord, Amen. is the kingdom. You are exalted as head over all.
हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है वो तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। इस तरह से हमें ये वचन बताता है, हमें बाइबल बताती है। As I spoke to you yesterday, this head over all, head of the universe, is our own father. जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि परमेश्वर जो है वो हमारे मुखिया हैं, और ये जो मुखिया हैं वही हमारे परमेश्वर पिता हैं, जो इस पूरे संसार के मनुष्य जाति पर मुखिया है। Simply we can call him Abba Father. आसानी से हम इन्हें अब्बा पिता कहकर बुला सकते हैं। We can sit in his lap. उसकी गोद में बैठ सकते हैं। We can play around him. और हम उसके आसपास जाकर खेल सकते हैं। Because he has a father's heart. क्योंकि उसका पिता का हृदय है, एक पिता जैसा हृदय है। The father includes every member of the family. पिता परिवार के हर एक सदस्य को जोड़कर रखते हैं। The father has 12 children. अगर किसी पिता के 12 बच्चे होते हैं, All the 12 children have a place, have a space in the father's heart. और उन सभी 12 बच्चों का पिता के दिल में या पिता के हृदय में जगह होती है। The first one to the last one. पहले से लेकर आखिरी बच्चे तक। He cares for each of them. वो उनमें से हर एक की परवाह किया करते हैं। Hello brother, hello sister. The head of the universe is mindful of you. हेलो मेरी बहन, हेलो मेरे भाई, संसार के जो मुखिया हैं वो आपके बारे में सोचते हैं। I'm telling you, he is mindful of you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसे आपकी परवाह है। Many people cry out, God has forgotten me. No, he will never forget you. लोग रोते रहते हैं, ओ मुझे तो परमेश्वर ने भुला दिया। नहीं, वो आपको कभी नहीं भूल सकते। He has not forgotten your personal prayers. वो आपकी कभी भी व्यक्तिगत प्रार्थना जो आपने की है उसे नहीं भूले। He will not even forget each and every groan that you have, that you produce. And every sobbing that is coming forth from your spirit. आपने आज तक जितनी भी रो रो के प्रार्थनाएं की हैं, आप जितने भी कराहे हैं, आपने परमेश्वर को पुकारा है, उन सभी प्रार्थनाओं को वो कभी भी नहीं भूले। Father, we thank you for your big heart. पिता, आपके महान हृदय के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for placing us in your heart. हमें अपने दिल में रखने के लिए धन्यवाद। We vow that we will give you due honor and respect to you as a father. अब से हमेशा के लिए पिता, हम आपको आदर सम्मान हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। Amen. Amen. Amen.